क्या राहुल गांधी रामपुर से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? कितनी सच्ची है ये खबर? किसने उठाई राहुल को रामपुर से चुनाव लड़ने की मांग? ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। नवाबों के शहर रामपुर में बच्चा बच्चा सियासत की अच्छी खासी जानकारी रखता है। यहाँ पर एक लंबे समय तक लोकसभा की सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है, लेकिन वक्त के साथ ही पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने नवाब खानदान को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद रामपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दायरा लगातार घटता चला गया। लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल के नेता मोहम्मद उस्मान बबलू ने राहुल गांधी को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बाकायदा हाथों में तख्तियां लेकर मांग कर डाली है। उनकी इस मांग ने सियासी गलियारों में सनसनी भी फैला दी है। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रुहेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान बबलू का रामपुर गृह जनपद है। वह अपने साथियों के साथ नैनीताल नेशनल हाईवे स्थित घंटाघर पार्क में एकत्र हुए, जहां पर उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां लेकर रामपुर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा का चुनाव लड़ाने की मांग कर डाली है। जनपद रामपुर में हम हमेशा से कांग्रेस का जो है सांसद रहा है ज्यादातर, तो हम ये चाहते हैं कि जनपद रामपुर में राहुल गांधी आए और यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि RLD राष्ट्रीय लोकदल जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने भी चिट्ठी लिखेंगे और राहुल गांधी जी को भी चिट्ठी लिखेंगे कि मतलब जो है जनपद रामपुर मान के वो चुनाव लड़े और भारी मतों से जिताने का काम राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उन्हें करेगा, क्योंकि आजम खान की मुश्किलें बरकरार हैं, आजम खान चुनाव लड़ नहीं सकते, तो हम ये चाहते हैं कि भारी भरकम नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि राहुल गांधी जनपद रामपुर से आए और लोकसभा का चुनाव लड़े और जिताने का काम राष्ट्रीय लोकदल हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का है। उस्मान बबलू और उनके समर्थकों के हाथों में RLD के झंडे के अलावा राहुल गांधी रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े की तख्तियां मौजूद रहीं। उस्मान बबलू का कहना है कि अगर राहुल गांधी रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यहां से उन्हें देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिताने का काम किया जाएगा और इसके बाद राहुल गांधी तमाम जिंदगी रामपुर की जनता के प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगे। ग्लोबल टुडे ब्यूरो रामपुर। ग्लोबल टुडे खबर जो करे असर।